खतरों के खिलाड़ी में मेरा ही कास्टिंग होगा। हे गाइस, दिस इज कार्तिक मालवीय एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल कैटीज चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मैं अभी आया हूँ अपने गांव में मेरे मामा मामी के घर, और ये मेरा भाई प्रथम इतने टाइम बाद। आप लोग ने इसको पिछले साल व्लॉग में देखा होगा जब ये आया था, पिछले साल की बात है ना भाई। गोवा व्लॉग भाई, गोवा व्लॉग में तो था ही, बट जब तू बॉम्बे आया था वो कब की बात है, दो साल हो गए, चार साल हो गए भाई। चार साल हो गए, शिट भाई, इतना टाइम भाई, बिजी हो गए भाई सब लाइफ में। तो अभी हम लोग कल रात को ही आए और यहाँ पे हम लोग की पूजा होती है बेसिकली गौरी पूजा करके, जो कि गणपति जी की मम्मी होती है उनकी पूजा होती है। मम्मी होती है ना? नहीं, वो एक्चुअली महालक्ष्मी होते हैं। महालक्ष्मी इज विष्णु की पत्नी। तो महालक्ष्मी का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि दो लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। हाँ, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी में डिफरेंस कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो उनको ज्वेलरी से लेके, क्लोथ से लेके, मेकअप से लेके, एक एक चीज दोनों को सेम चाहिए होता है। अगर 19-20 भी किसी को फर्क रहा ना तो उनको बुरा लग जाता है। तो बेसिकली जो अलक्ष्मी वो आई थिंक नेगेटिव है, नेगेटिव ना? क्योंकि राधा कृष्ण में भी आप लोग ने देखा होगा अलक्ष्मी आई थी, और भी काफी सारे शोज में अलक्ष्मी आती रहती है। तो अलक्ष्मी नेगेटिव है और जो दूसरी लक्ष्मी जी वो पॉजिटिव है। बट फिर उनको गणपति जी की माँ क्यों बोलते हैं? एक्चुअली वो गणपति जी की माँ नहीं है, गणपति जी की माँ गौरी अपना महादेव की मम्मी है, अपनी पार्वती माँ। महादेव की वाइफ, सॉरी वाइफ, पार्वती उनकी माँ है, और महालक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है। महालक्ष्मी पूजा ये बेसिकली, और ये मामा के घर ना हर साल होता है। तो यहाँ पे जो पूजा होती है ना वो बहन करती है, तो इसीलिए मम्मी आती है और वो पूजा भी करती है, मामी मामा भी पूरी अच्छे से एकदम पूजा। तो ये पूजा जो होती है ना ये बहुत स्पेशल पूजा होती है गाइस। और ये पूजा आप घर में बैठे बैठे आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा यू नो पॉजिटिव वाइब्स आएगा आपके तक भी, और आप देखेंगे कि किस टाइप की अलग पूजा होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पूजा होती है और बहुत कठिन पूजा होती है। और मोस्टली क्या होता है ना, मतलब बहन, मतलब मेरे पापा की बहन कार्तिकी की मम्मी, हाँ, तो उनको एज अ लक्ष्मी, एज अ देवी उनको बुलाते हैं उनको। हाँ, अगर घर में भी स्टेप रखते हैं तो उनको पहले पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको टीका वीका लगाते हैं और फिर उनका स्वागत करके घर में बुलाते हैं एज महालक्ष्मी माता। हाँ, तो कल जैसे हम लोग का भी स्वागत हुआ है तो ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग का भी कल स्वागत ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मुझे एज क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी, नहीं नहीं वो बाबू, बाबू बोलते हैं ना, सब कुछ बाबू बोलते हैं, जो महालक्ष्मी जी का जो बेटा रहता है। आप लोग को मैं मूर्ति भी दिखाऊंगा। तो तीनों मूर्ति की पूजा होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी होती है कि वो खुद आते हैं खाना खाने भी, जो हम लोग उन्हें भोग चढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। इन शॉर्ट बहुत मजेदार ब्लॉग होने वाला है, बहुत इंटेलेक्चुअल ब्लॉग होने वाला है और बहुत आप लोग को कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में गाइस, बहुत एक्साइटिंग चीजें आगे आने वाली है, तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते ब्लॉग में आगे, लेट्स गो। कैसा लग रहा है आपको, इतना अच्छा अच्छा रोटी बना रहे हो मेरे लिए? खाना जी बना रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। अरे क्यों ऐसा, आप मेरे लिए बना रहे हो ना, पर तो वो कृष्णा बनाए तो मजा आएगा, कृष्णा की मम्मी बनाए तो और भी मजा आएगा। अच्छा कृष्णा कौन है? वो एक पागल लड़का। नहीं मेरे, मैं जो जो जिनके लिए बनाता हूँ वीडियो उन लोग को नहीं पता ना कृष्णा कौन है, आप लोग को पता है? कार्तिकेय है वो, क्योंकि ये मामा का घर है और इसको मामा के यहाँ सब कृष्णा बोलते हैं, कार्तिकेय नहीं। बहुत परेशान करता है कार्तिकेय हमें। अरे वाह, देखो कर दी ना बेइज्जती, थोड़ा अच्छा अच्छा बोलो। एक नंबर की नाक में दम करके रखा है हमने। चलो भाई शाम को खाएंगे, अच्छे से बनाना मामी, बाय। तो अभी आरती हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे देखो कितने अच्छे से आरती होती है। और सबसे पहले आरती मैं करूँगा,
ऑल राइट गाइस, तो आरती अभी अभी जस्ट खत्म हुई है और आरती बहुत ही अच्छी होती है, बहुत गर्मी हो जाती है, पसीना बहुत आ जाता है, बट द वाइब इज वेरी ब्यूटीफुल, सब लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। अभी शाम हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ना ये पूरा एरिया खाली है, ये इतना बड़ा सा एरिया पूरा खाली है, और यहाँ पे ना अभी पूरा भंडारा होने वाला, तो भंडारे में बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं, खाना खाते हैं और हम लोग उन्हें सर्व करते हैं, भगवान को ही हम पूज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सब भगवान के पार्ट है और हम उनको पूज रहे हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल रिचुअल होता है, बहुत ही यू नो, ये आप लोग ने कहीं देखा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है कि अंदर जो मूर्ति है हम लोग ने ही बनाई है, ठीक है, बट जो मूर्ति है ना, जो आपने खाना देखा होगा, जो खाना रखा हुआ है माता के सामने, तो अभी दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और दरवाज़ा बंद होने के बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं, घर में कोई भी रहना नहीं चाहिए, और घर खाली कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि माता जो हमने भोग दिया है उसे वो एक्सेप्ट करेंगी, तो हमने बेसिकली उन्हें जो ऑफरिंग्स दी है वो एक्सेप्ट करेंगी और हमें ब्लेस करेंगी उसे एक्सेप्ट करके, तो दिस इज़ द मोटिव बिहाइंड इट। और अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं, आरती के बाद वही होता है, देखिए सब लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, तो लेट्स सी, वो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये देखो, तो अभी दरवाजा बंद हो जाएगा और अंदर कोई भी नहीं है। वीडियो बना कुछ नहीं बोल में बिट्टो कॉल में काल में बिट्टो कॉल में। देखो अभी कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, सब ना एकदम विश्पर करते हैं सिर्फ, और कोई भी कुछ नहीं बोलता है, सब एकदम शांत रहते हैं, तो अभी सब वेट कर रहे हैं कि अंदर जो भी है ना वो बाहर जाके खाना खाएंगे और हम लोग फिर सब अंदर जाएंगे। और देखो अभी हम लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं और अभी सब लोग वापस आ रहे हैं। सो बेसिकली अभी नॉक करके पूछा है कि खा लिया है कि नहीं आपने, इट्स जस्ट अ रिचुअल गाइस, और अभी देखते हैं कि उन्होंने खाया है कि नहीं, एकदम माइन्यूट पीसेस खाते हैं, चेक करते हैं। तो ये जो भी है ना, ये सारा खाना, ये सब इसमें से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, है ना मामी? हाँ। सब खाते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। आप ऐसे चुप करके क्यों बैठे हो मामी? ऐसे चुप क्यों बैठे हो मामी? उनको ना मामी ने मना किया है बोलने। अच्छा, ये वाली मामी ने मना किया है मिश्रा मामी को कुछ भी बोलने से। ये देखो अभी यहाँ पे इनको सर्व कर रहे हैं, और जब तक ये दोनों खाएंगे नहीं तब तक हम किसी और को खिला नहीं सकते और ना ही खुद खा सकते हैं। तो जैसे ये दो महालक्ष्मी, ये दो महालक्ष्मी यहाँ पे खाना पड़ता है, इनके साथ ही पहले स्टार्ट होता है, और फिर जब तक ये नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। और ये देखो, ये जो मेरी बहन है ये अपने बाबू को भी बोल रही है, ये जो बाबू है जब तक ये नहीं खाएगा तब तक हम भी नहीं खा सकते, है ना विवु? विवु हाय, विवु हाय, विवु हाय। तो इसके बाद ही हम लोग खिला पाएंगे, जब तक ये दोनों नहीं खाएंगे तब तक हम लोग नहीं खा सकते कुछ, तो उसके बाद ही भंडारा स्टार्ट होगा। तो अभी इनके खाने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर डे टू, और कल आपने देखा कि बहुत सारे भंडारा हुआ, बहुत अच्छे से आरती हुई, और आरती वाज फुल ऑफ वाइब, एंड अभी नेक्स्ट डे है और दिस इज़ आवर लास्ट डे अनफॉर्चुनेटली, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:40 और हम लोग की ट्रेन है एट 12 और हम लोग निकलेंगे 11 बजे तक, 11:15 तक, बट उससे पहले एक फाइनल पूजा होगी हम लोग के लिए, जिसमें हम माता को बाय बोलेंगे, सभी लोग को बाय बोलेंगे, मामा मामी सब लोग को, और मेरे कजन्स भी आए हुए हैं, तो उन सभी को बाय बोल के फिर हम लोग निकल जाएंगे। सो द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट, बहुत मज़ा आया, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग हर साल आते हैं, तो चलते हैं एक आखिरी पूजा के लिए, उसके बाद सबको बाय बोल के हम निकल जाएंगे, लेट्स गो।
ना भाभा। ये देखो ये मेरे इतने बड़े भैया लोग डर के भाग रहे। कहाँ भाग रहे छोटू भैया, जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो जाओ। अरे मैं नहीं पकड़ा। ये देखो मेरी मामी खतरों के खिलाड़ी। ये देखो ये बच्चे बेचारे, इतने बच्चे, ये सब इतनी मस्ती कर रहे थे, इनको चुप कराने के लिए लेके आया। ये देखो ये आए सारे बच्चे। ये बच्चे देखो ये सब मस्ती करने वाले, ये देखो सब भाग रहे। वो सबसे बड़ा बच्चा छोटू भैया। ये देखो ये हमारी भाभी सबसे बहादुर। कम ऑन देखो देखो मैं बना हूँ। हाँ बस छोड़ दे दूसरा हाथ लगा नीचे से लगा, उसको जान दे, मुंह को मत देखो, नीचे से मुंह को मत देख, पकड़ इधर लगा। इसके बाद खतरों के खिलाड़ी में मेरा ही कास्टिंग होगा।